नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टारगेट ऑन में। मैं हूं एनके सिंह। आशा करूंगा कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। चलिए, इस 5 मिनट की वीडियो में लाइट का चैप्टर ऑप्टिक्स के चैप्टर से अति संभावित जो अनुप्रयोग होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, जहां से सवाल आते ही आते हैं, उसको इस 5 मिनट की वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश के अगर हम बात करें, प्रकाश में एक घटना पाई जाती है जिसको आप बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अनुप्रयोग पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस घटना की वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं, तो उत्तर रहेगा हमारा परावर्तन। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, जैसे इस पेन को मैं देख रहा होऊंगा तो कैसे देख रहा होऊंगा, जब प्रकाश इस पे पड़ता है तो प्रकाश यहां से पढ़ करके परावर्तित होता है। परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है, हमारी आंखों में रेटिना नामक संरचना पाई जाती है, उस रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, और तब जाकर ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से वो ब्रेन तक पहुंचता है और हमें वस्तु कोई दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के परावर्तन ही वह घटना है जिसकी वजह से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं या व्यक्तियों को देख पाते हैं। भले ही हमारे पास आंखें रहें, लेकिन अगर परावर्तन की घटना होना बंद हो जाए तो हमें कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी। तो प्रकाश में होने वाली परावर्तन का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है हमारे दैनिक जीवन में, वो वस्तुओं को दिखाने में है। दूसरी बात, प्रकाश में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पाई जाती है अपवर्तन, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो वहां पे अपवर्तन होता है, वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन के अनुप्रयोग को अगर जानना है तो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाओ, जो वास्तविक होता है वह आपको दिखाई नहीं देता है, जो वास्तव में होता है, जो वास्तविक रूप में होता है वह आपको नहीं दिखाई देता है, कुछ अलग स्थिति दिखाई देती है। जैसे यहां पर तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वास्तविक स्थिति से अलग स्थिति दिखाई दे रही है। पानी में पेंसिल का टेढ़ा होना, पेंसिल टेढ़ा नहीं हुआ है लेकिन आपको टेढ़ा दिखाई देता है, अपवर्तन। यहां पर मछली का पानी में कुछ ऊपर दिखाई देना, मछली ऊपर नहीं है फिर भी कुछ ऊपर दिखाई दे रही है, अपवर्तन। यही पर एक और अनुप्रयोग बनता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का अपनी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देना, वहां पर भी क्या उत्तर होता है, अपवर्तन। यानी कि वास्तविक स्थिति से अलग स्थिति दिखाई देगी, अपवर्तन वहां पर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक उसी प्रकार से प्रकीर्णन पर बात करते हैं, प्रकीर्णन के जितने भी अनुप्रयोग रहेंगे उन प्रकीर्णन के सभी अनुप्रयोगों में रंग कलर जरूर दिया रहेगा। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, रंग दिया। समुद्र का रंग नीला दिखाई दिया, रंग दिया। सूर्यास्त व सूर्यास्त, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का होना, रंग दिया। बिना रंग के इसका एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो अगर रंग रहे तो प्रकीर्णन, अगर वास्तविक स्थिति से अलग स्थिति दिखाई देगी तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, वहां पे अपवर्तन। और परावर्तन को तो आपने जान ही लिया। अब प्रकाश में एक और बेहद संजीदा घटना घटती है जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। इसके अलावा मृग मरीचिका का बनना, मिराज का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उदाहरण है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित उपकरण होता है। और इसके पश्चात है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या है, शरीर के आंतरिक हिस्सों का चित्र लेना, यह एंडोस्कोपी तकनीक के माध्यम से ही क्लियर हो पाता है। तो ये सारे जो अनुप्रयोग हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से संबंधित दो बातें और याद रख लेना। पहली बात यहां पर यह याद रखना कि हमेशा प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सकती है। और दूसरी बात, हमेशा क्रांतिक कोण का मान अधिक होना, क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आशा करूंगा इस 5 मिनट की वीडियो में आपने पूरे ऑप्टिक्स के जो अनुप्रयोग हैं उसको आपने अच्छे ढंग से क्लियर किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।